हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ वाइट टोन क्रीम और पाउडर मेकअप शेयर करने जा रही हूँ। ये मेकअप आप डेली कर सकते हो, कॉलेज जाते समय कर सकते हो, और स्कूल अगर आप जाते हो तो भी ये मेकअप कर सकते हो। ये मेकअप मैं कॉलेज जाती थी तो ऐसे करके जाती थी, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले चेहरे पे गुलाब जल या टोनर लगा लीजिए, और अगर आप मिस्ट लगाना चाहते हो तो भी लगा लीजिए। और ये लगाने से पहले सबसे पहला काम होता है आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें लगा लीजिए। चेहरे के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। आप चाहो तो सनस्क्रीन भी लगा सकते हो अगर आप बाहर जा रहे हो तो। इसके बाद आपको एलोवेरा जेल लेना है, पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। इसकी जगह सनस्क्रीन ले सकते हो, मैं एलोवेरा जेल लेती हूँ। और उसको लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है, यानी 30 सेकेंड के लिए ऐसे छोड़ देना है। अच्छे से आपको मसाज कर लेनी है। इसके बाद वाइट टोन क्रीम मैं ले रही हूँ, आप कोई भी फेयरनेस क्रीम ले सकते हो जो आप लगाते हो, और इसको मैं अपने फेस पे लगाने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही हो ज़्यादा क्रीम लेने की तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। अपने नेक पे भी आपको लगाना है ये क्रीम, केवल फेस पे नहीं लगाना है। तो ये क्रीम मैंने लगा ली है, और आईब्रो सेट करने से पहले मैं फेस पे वाइट टोन पाउडर लगा लूँगी। वाइट टोन पाउडर आपको डायरेक्टली फेस पे नहीं लेना है, पहले आपको हाथ पे लेना है। मैं ले रही थी तो इधर उधर गिर गया था, और उसको अपने हाथ पे ही फैला लेना है, और फिर इस तरह से अपने पूरे फेस पे लगा लेना है। इस तरह से आप करोगे तो जितनी ज़रूरत होगी उतना ही वाइट टोन पाउडर हमारे फेस पे लगेगा और वाइट वाइट नहीं लगेगा। इसके बाद मैं अपनी आईब्रो सेट कर लूँगी। आप आईब्रो पेंसिल से भी कर सकते हो, जिस तरीके से आप करते हो। ज़्यादा हैवी नहीं करना है, बस हल्का हल्का हमें एक टच दे देना है ताकि हमारी आईब्रो देखने में खूबसूरत लगे। तो इस मेकअप में मैं ज़्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करूँगी, क्योंकि डेली मेकअप में इतना कौन लगाता है, या कॉलेज जाते स्कूल जाते हैं तो इतना कौन लगाता है। हल्का हल्का हम टचअप देते हैं। तो ये जो लिप कलर है ना, इसको ही मैं अपने आँखों के ऊपर आई शेडो के रूप में यूज करूँगी। और देखो, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो थोड़ा कम रख सकते हो, स्कूल गोइंग हो तो बिल्कुल ही कम रख लेना, और घर पे रहना है तो जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे कर लेना। मैं ऐसे ही करके कॉलेज जाती थी, तो वही आपको मैं तरीका बता रही हूँ। आप फिंगर की सहायता से इसको फैला लो, और जितनी ज़रूरत है ना उतना रखो, बाकी एक्स्ट्रा निकाल लो। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा वाइट टोन पाउडर लगा लोगे ना तो और भी ये हल्का हो जाता है, एकदम आपके स्किन के कलर का हो जाता है। अगर आप काजल लगाते हो तो आप इस काजल लगा लेना। अगर आप काजल लगा के बाहर नहीं जाते हो तो ना लगाना, मुझे आपको दिखाना था इसीलिए मैं लगा रही हूँ। इस तरह से काजल लगाने के बाद आपको क्या करना है, वही लिप कलर का आपको ब्लशर यूज कर लेना है, ठीक है। हल्का सा आपको लेना है, जैसे कि मैंने लिया, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, हल्का हल्का रेड रेड लगे। इसके बाद आपको आईलाइनर का यूज नहीं करना, आपको मस्कारा लगाना। और मस्कारे की जो कोटिंग है ना, हमें एक दो बार नहीं करनी, 6-7 बार करनी, जब तक हमारी जो लेसेस है ना वो थिक होके हमें दिखने ना लगे। इस तरह से आप चाहो तो उसे फिंगर की सहायता से हल्का सा इस तरह कर सकते हो, ताकि वो थोड़ी और ऊपर उठ जाए। और ये देखिए, इस तरह से हो जाता है। इसके बाद इसी से अपनी आईब्रो, अगर आपको लग रहा है सेट नहीं तो एक बार कॉम कर लो, और ये आपकी आईब्रो और भी खूबसूरत हो जाएगी। ये मेकअप देखिए कंप्लीट हो गया है, और लिप कलर की वीडियो मुझसे शायद रिकॉर्ड नहीं हुई या डिलीट हो गई, तो वही लिप कलर है जो मैंने अपने आँखों पर अप्लाई किया था। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया है। हेयर स्टाइल आप अपने तरीके से बना लो, पोनी कर लो, खुले रखो, पौनी करोगे तो और भी खूबसूरत लगोगे। आगे से ऐसे दो बाल निकाल लो, लटे निकाल लो अपनी, बैंगल पहनते हो तो बैंगल पहन लो, काफ़ी अच्छा लुक आता है। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।